नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदर अपडेट के अंदर। जानेंगे कि आज मौसम कैसा देखने को मिल सकता है, क्या तापमान। तो पहाड़ी राज्यों में शुमार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो रही बर्फबारी का असर जल्द ही दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह के अंत तक दिल्ली NCR में ठंड में इजाफा होगा। इसके पीछे की वजह पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अब लगातार गिरावट होगी और अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 27 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री पर आ सकता है। ऐसे में दिल्ली NCR वालों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। यह भी पूर्वानुमान है कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी, जिसका आगाज अगले 20 से 25 दिनों के दौरान हो सकता है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आज के दिन यानी मंगलवार के दिन भी दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश जैसी कोई हालात नहीं होंगे। वहीं मंगलवार पिछले कई दिनों की तरह कोहरा रहा और कुछ इलाकों में विजिबिलिटी भी कम रही। मंगलवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं इस बार मॉनसून के दौरान हुई अच्छी बारिश को सर्दियों में ज्यादा ठंड के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विज्ञानियों की माने तो अक्टूबर के उत्तरार्ध में तापमान गिरने लगेगा, नवंबर में सर्दी का एहसास होने लगेगा। दिल्ली NCR समेत समूचे उत्तर भारत में इस बार कपकपाती सर्दी दिसंबर, जनवरी और फरवरी में पड़ेगी। इससे पहले हल्की धूप के बीच सोमवार को भी तेज हवा चलने का दौर जारी रहा। इससे ठंडक का एहसास तो हुआ, लेकिन साथ प्रदूषण छटने में भी मदद मिली। अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर 29.2 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हवा में नमी का स्तर 39 से 93% रहा। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को सफदरजंग और पालम दोनों एयरपोर्ट पर हवा की गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। बाद में हवाओं की रफ्तार शांत से धीमी हो गई। हवा की दिशा पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा की रही। वहीं दृश्यता का स्तर भी बेहतर रहा। ये था आज के मौसम का हाल। जैसा कि अब मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक ये 3 महीने ऐसे देखने को मिल सकते हैं जिसमें कड़ाके की ठंड पड़ेगी। पहला तो ये कि इस बार मानसून की काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, जिसका असर इस बार ठंड में इजाफे के रूप में देखा जा सकता है। और दूसरा, पहाड़ी राज्यों में जो बर्फबारी लगातार हो रही है उसका असर भी अब धीरे धीरे समूचे उत्तर भारत में देखने को मिलता रहेगा ठंड के रूप में, और ठंडी हवाएं भी चल सकती हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि गर्म कपड़े निकालें और अपना आपको अच्छे से ढक के रखें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।